अच्छा, अगर आप किसी के पास एक पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि उस पेशेंट को बार बार यूरिन आ रहा है, बार बार उसको प्यास लग रही है, और जब हम उसको वॉल्यूम देखते हैं यूरिन का तो वो डाइल्यूटेड यूरिन होता है, जब हम यूरिन की ऑस्मोलैरिटी चेक करते हैं तो इस यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम है, मतलब कि आप देखते हो कि उसके अंदर 200 मिली ऑस्मोल के राउंड अबाउट है, तो इस पेशेंट के सीरम के अंदर आप क्या देखोगे? ब्लड प्रेशर इसका कम होगा, ज़्यादा होगा, या क्या होगा इसका? सर ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा जी। जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। और ये जो पेशेंट है इसको आप क्या डायग्नोस करोगे कि आप इस पेशेंट को क्या हो रहा है जी? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर इस पेशेंट के अंदर कोई आप चीज़ देते हो जैसा कि डेस्मोप्रेसिन दे देते हो, डेस्मोप्रेसिन के बाद इस पेशेंट की जो सीरम ऑस्मोलैरिटी अगर चेंज हो जाती है तो इस पेशेंट का डायग्नोस क्या बनता है? और अगर आप इसको अंदर डेस्मोप्रेसिन देते हो या कोई मेडिसिन देते हो और इसके अंदर जनाब इसकी सीरम ऑस्मोलैरिटी पे का फर्क नहीं पड़ता तो इसका डायग्नोस क्या होगा? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन बता दें जिसकी वजह से जनाब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, अगर वो यूज करें कोई ऐसी एंटीबायोटिक? डीमेक्लोसाइक्लिन। और उसके बाद कौन सा होता है, कोई ऐसा साल जो बताएं कि हाँ जी जनाब जो कि जनाब आपकी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करवा सकता है? लिथियम। शाबाश।